हेलो गाइस, वेलकम टू माय फेसबुक पेज सिविल इंजीनियरिंग वर्क। तो आज बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं, ये प्लान 20/30 का है हाउस प्लान। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या है। यहाँ पे ये जो सिंबल है, फर्स्ट नंबर का है ट्यूबलाइट कुछ इस तरह दिखाया गया है। सेकंड नंबर है बल्ब कुछ इस तरह दिखाया गया है। थर्ड पे है एग्जॉस्ट फैन, फोर्थ पे है लैम्प, फिफ्थ पे है स्विच बॉक्स और सिक्स पे है, सॉरी ये यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गई, सिक्स पे है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो हम प्लान देखते हैं 20/30 का। तो इसमें 2 BHK हाउस प्लान है ये, जिसमें 2 बेडरूम हॉल किचन WC बाथ है। तो हम इलेक्ट्रिकल प्लान की जब हॉल से शुरू करते हैं, तो हॉल में सबसे पहले तो सेंटर में फैन दिया गया है। ये विदाउट सीलिंग है, सीलिंग नहीं है इसमें, सेंटर में फ़ैन है। और जैसे हम घर में इंटर करते हैं इधर से, तो यहाँ सामने फ्रंट में लैंप है और जब दरवाजे से अंदर आते हैं तो जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल पे AC का एक पॉइंट दिया गया है, जो फ्यूचर में हम उसे करा जाएंगे, वहाँ से पॉइंट छोड़िए। और ये यहाँ पे SB1 है, स्विच बोर्ड है, स्विच बॉक्स है, जो कि यहाँ से लैंप को कनेक्टेड है, यहाँ से फैन को है और ये AC के लिए भी है। और यहाँ पे SB2 दिया गया है, SB2 जो है जो कि फोर कंप्यूटर के लिए है। यहाँ पर कंप्यूटर शिफ्ट होने वाला, कंप्यूटर बैठने वाला है। और उसी तरह यहाँ पर ट्यूब लाइट के लिए भी दिया गया है। और ये जो SB1 है, एक्चुअल में जो देखा जाए तो डोर के फ्रंट पे आता है, जैसे हम मेन गेट से एंट्री करते हैं उसके सामने आता है। ये कोई रीज़न की वजह से इसे यहाँ पर लगाया गया। जब हम पीछे आते हैं तो यहाँ पर WC बात है, WC बात पे यहाँ पे स्विच बॉक्स SB3 दिया गया है। SB3 से ये कनेक्शन यहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए है और ये बल्ब के लिए। बल्ब की पोजीशन चेंज हो सकती है, ये वॉल पर भी आ सकती है, इस पर भी आ सकती है, अकॉर्डिंग टू साइड कंडीशन। और सामने यहाँ पर शावर आने वाला है। WC में यहाँ पर एक बल्ब है और यहाँ पे उसका एग्जॉस्ट है और पीछे डक्ट है। और यहाँ पर पैसेज है, पैसेज के अंदर भी एक लाइट आएगा। ये सभी जगह यहाँ पर प्लान में दिखाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर भी एक लाइट आने वाला है। उसके अलावा जब हम किचन में एंट्री करते हैं, यहाँ किचन शुरू करते हैं, यहाँ पर 3 स्विच बॉक्स दिया गया है, SB2 SB3। तो ये SB3 यहाँ पर फ्रिज के लिए जगह नहीं थी, तो यहाँ फ्रिज बाहर दिखाया गया है। और फिर यहाँ पे SB2 को 2 कनेक्शन दिए गए हैं, एक ट्यूबलाइट के लिए और एक बल्ब के लिए और एक फैन के लिए। और SB3 जो कि यहाँ पे बाहर के लिए दिखाया गया है, और ये सेगड़ी के लिए भी यूज़ होगा। और यहाँ पे MCB दिखाया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है जिसे हम कहते हैं, तो ये यहाँ पर MCB दिखाया गया है। तो यहाँ से अगर हम जब पीछे के दोनों बेडरूम में जाते हैं, तो यहाँ पर ये 2 बेडरूम है, बेडरूम में 2 स्विच बोर्ड दिखाए गए हैं, स्विच बॉक्स के लिए 2 दिखाए गए हैं। सबसे पहले ये पीछे जो है स्विच बॉक्स दिखाया गया है, ये मोबाइल चार्जिंग के लिए दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बेड आने वाला है, इस पोजीशन में बेड आने वाला है, तो यहाँ पर चार्जिंग के लिए भी एक पॉइंट दिया गया है। और जब देखते हैं तो यहाँ पे SB2 है, SB1 है, SB1 का कनेक्शन यहाँ से फ़ैन के लिए दिया गया है, उसी तरह ट्यूबलाइट के लिए दिया गया है। और यहाँ पर एक बल्ब के लिए भी एक्स्ट्रा में एक कनेक्शन दिया गया है। सेम इसी का मिरर यहाँ पर किया गया है, और अगर हम आगे देखते हैं, यहाँ के जो डिस्क्रिप्शन है, सिंबल्स है, SB1 3 नंबर्स है, 12 मॉड्यूलर है, SB2 5 नंबर्स है, 8 मॉड्यूलर है, और SB3 3 नंबर्स है, 4 मॉड्यूलर है। ये साइड कंडीशन के हिसाब से चेंजेस हो भी सकते हैं, क्योंकि ये तो प्लान एक सैंपल है, मतलब इसमें साइट के अकॉर्डिंग ये बहुत सारे इसमें चेंजेस आते हैं। तो उम्मीद है आप मेरा आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक माई पेज, थैंक यू।